हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फेमस टॉक विद प्रियंका। फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं अपनी एक न्यू ट्रिप पे जो कि है भरतपुर का। और देखिए, अभी अर्ली मॉर्निंग हो रही थी, ये वीडियो कुछ दिन पहले का है। तो अब हम आ गए हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे और अभी हमें इसी पे चलना है कुछ दूर तक। उसके बाद हम यमुना एक्सप्रेसवे पे जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप में से कौन कौन भरतपुर गए हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, हमारी एंट्री हो रही है और अभी अर्ली मॉर्निंग है तो काफ़ी गाड़ियां कम दिख रही हैं। तो एक्सप्रेसवे का हमारा ये पहला टोल आ चुका है और फास्टैग होने से इतना तो आराम हो गया है कि आपकी गाड़ियां फटाफट निकल जाती हैं। फ्रेंड, मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप इतने अर्ली मॉर्निंग क्यों निकलते हैं। तो मैंने काफ़ी पहले भी वीडियो में शेयर किया हुआ है कि अर्ली मॉर्निंग हम इसलिए निकलते हैं क्योंकि आपको ट्रैफिक एक तो कम मिलता है और बच्चे भी गाड़ी में आराम से हमारे सोते हुए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना खूबसूरत लग रहा है कि सूखी सूखी डालियों के बीच जब आपको सूरज ऐसे निकलता हुआ दिखता है तो कितना खूबसूरत ये लगता है। हम घरों में रहते हुए ये चीज़ नहीं देख पाते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं भरतपुर, अभी हमारा 31 किलोमीटर और है। भरतपुर आने के लिए फ्रेंड्स, सबसे अच्छा जो मंथ होता है वो अक्टूबर या फिर फरवरी मिड या मार्च का फर्स्ट वीक होता है। तो अभी हम मार्च के फर्स्ट वीक में ही जा रहे हैं वहाँ पे। भरतपुर बर्ड सेंचुरी को कियोलाड़ियो नेशनल पार्क भी बोलते हैं, कई लोग इसे इस नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, हम 4 बजे मॉर्निंग में निकले थे तो हम चाय पी के निकले थे और हमने अपना ब्रेकफास्ट भी बना के रख लिया था जो हम कहीं भी रुक के कार में ही खा लेंगे। हम जब निकलते हैं बाहर तो वैसा कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बना के ही निकलते हैं कि हमें तुरंत कहीं रुकना ना पड़े, और बच्चों के लिए भी कुछ खाने पीने का रख लेते हैं तो वो भी अपना खाते हुए इंजॉय करते हुए जाते हैं। तो अभी हमारा भरतपुर 15 किलोमीटर और है और इस रास्ते से हम जयपुर भी जा सकते हैं। तो ये देखिए, भरतपुर में हमारी एंट्री हो चुकी है। ये भरतपुर का गेट है, पहुँच चुके हैं, बट हम अभी गलत गेट पर आ गए। यह अंदर जाने का गेट दूसरा है तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा, ये बाहर निकलने का है। और ये है एंट्री वाला गेट। यहाँ पे पार्किंग फ्रेंड्स 60 रुपीज़ है तो आप आराम से यहाँ कार पार्क कर सकते हैं। और ये है साइकिल एरिया जहाँ पे आप साइकिल ले सकते हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं और साइकिल भी ले सकते हैं। और यहाँ पे ई रिक्शा भी चलती है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेंजर साइकिल है उसका 150 चार्ज है और सिंपल साइकिल का 100। आगे जाने पे आपको कैंटीन भी मिल जाती है तो आप वहाँ से जा सकते हैं। जैसे तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ बर्ड तो दिख रहे हैं लेकिन काफ़ी बर्ड का दूर दूर थे तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ कि आपको वो दिख जाए। तो ये देखिए, वहाँ पे आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा तो सारे वहाँ पे स्वान हैं। और ये देखिए, इस पेड़ पर इतने सारे बैट्स थे और ये काफ़ी बड़े बड़े थे, मैंने इतने बड़े कभी नहीं देखे थे। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।